हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड की है जो followchess.com पर कराया जा रहा है। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग मैंने गेम देखी थी आज, जो भी इस टूर्नामेंट में खेली गई थी, लेकिन मुझे काफी अच्छी लगी जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने खेली थी एकदम एधम कैंडिल के साथ। तो चलिए, आई थिंक फ्रेंड्स फ्रांस के खिलाड़ी हैं, तो शुरू करते हैं। प्रज्ञानंद ने यहाँ Nf3 के साथ शुरू किया, Nf6 यहाँ एधम ने खेला, कैंडिल जो भी है B3, यहाँ व्हाइट का मूव आया, देन हुआ C5, तो बिशप आया B2 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, E3, देन बिशप E7 स्क्वायर पर C4, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ D5, Cxd5, Etxd5, देन हुआ D4, नाइट आया C6 स्क्वायर पर, बिशप E2, देन Ctxd4, नाइट Xd4, बिशप C5, ट्राइंग टू प्रेशराइज दिस स्क्वायर D4 स्क्वायर। तो नाइट टेक C6 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, बी टेक C6 होने के बाद अब कहीं जाकर प्रज्ञानंद ने यहाँ कैसल किया, क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन रुक C1। आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट मैं यहाँ पर कहूंगा, जिस तरह से दोनों खिलाड़ियों की ओपनिंग चल रही है, आगे क्या हो सकता है यहाँ हमें नजर आ ही रहा है। खैर, यहाँ पर हुआ बिशप D6, देन नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और यहां से मुझे इस नाइट के लिए फ्यूचर इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्वीन गई, ओ सॉरी, बिशप D7 यहाँ ब्लैक ने किया, क्वीन गई D4 स्क्वायर पर, अब समझ में आता है। अब यहाँ वाई ब्लैक सॉरी इस सी पॉन को आगे पुश नहीं कर सकता, अदरवाइज नाइट के लिए एक अच्छा आउटपोस्ट यहाँ तैयार हो सकती है। क्वीन E4 के ऑप्शन को फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक ने चुना, एक्सपेक्टिंग टू क्या कहें कि किसी प्रकार का मेटेरियल एक्सचेंज, लेकिन वो होने वाला नहीं है। बेटर होता कि शायद ये रुक्स थोड़े मैनिपुलेट हो सकते थे, माइट भी कुछ इस तरह की गेम खेली जा सकती थी, लेकिन नाइट C5 अब यहाँ व्हाइट ने किया, क्वीन टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, बिशप टेक्स C5, रुक टेक्स C5, काफी अच्छे तरह से मेटेरियल एक्सचेंज हो चुका है फ्रेंड्स, जिस तरह की ये गेम खेली गई थी। आगे तो यहाँ ब्लैक डेफिनेटली सोच रहा होगा कि क्यों नहीं मैंने इस ए पॉन को आगे पुश कर दिया था यहाँ पर, जब ब्लैक ने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस किया, रुक पर अटैक बना, रुक गया A5 स्क्वायर पर। मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो इस रुक के लिए मैं बहुत अच्छा स्क्वायर तो नहीं कहूंगा इस A4 स्क्वायर को, लेकिन नाइट D6 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। क्या यहाँ A7 पॉन लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। अगर यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट रुक टेक्स A7 के ऑप्शन को ऑप्ट करे भी, तो रुक टेक्स A7, बिशप टेक्स A7, रुक A8, और वापस बिशप पर अटैक, और A2 पॉन आफ्टर ऑल ब्लैक ले ही लेगा, रुक बिशप बचा जाएगा, तो उसके बाद रुक टेक्स A2, और ऊपर से यहाँ पर एक काफी अग्रेसिव स्क्वायर पर ये रुक आकर बैठ जाएगा। खैर, तो इसीलिए शायद प्रज्ञानंद ने यहाँ इस पॉन को नहीं लिया, उन्होंने यहाँ अपने रुक को A6 स्क्वायर पर प्लेस किया। मेरे लिए काफी, मैं कहूंगा फिर दोबारा, ये काफी इंटरेस्टिंग मूव है, मतलब ये रुक थोड़ा फंस सा गया है मेरी नजर में। नाइट आया B4 स्क्वायर पर, फ्रेंड्स नाइट का B4 स्क्वायर पर आना ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ बिशप पर अटैक, बिशप गया C5 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस रुक पर अटैक बना। अब रुक कहाँ जाए, ब्लैक ने अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, यहां तक मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ठाक है। रुक C1, यहाँ व्हाइट ने ऑप्ट किया, गेम बिल्कुल लगभग इक्वल चल रही है बिशप के जाने के लिए। क्या किसी तरह से इस रुक को ट्रैप किया जा सकता है? लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ A5 स्क्वायर है अभी फिलहाल। खैर देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक को डेफिनेटली अपने नाइट को C7 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए। यहां तक मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ कि गेम बिल्कुल इक्वल थी इस मूव तक, जब तक कि यहां पर ब्लैक ने अपने रुक को C7 स्क्वायर पर प्लेस नहीं किया, और अब इस नाइट के लिए जाने के लिए कौन सा स्क्वायर है, एक स्टूपिड मिस्टेक मैं यहां पर कहूंगा। ना तो ये नाइट इस D6 स्क्वायर पर जा सकता है, नॉट इन ऑप्शन, नॉट इन ऑप्शन बिकॉज ऑफ दिस बिशप, नॉट इन ऑप्शन। जो एकमात्र स्क्वायर इस नाइट के लिए अवेलेबल था वो यहाँ पर रुक ने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो जब ये गलती का एहसास अधम को हुआ, जब यहाँ प्रज्ञानंद ने इस ए पॉन को आगे पुश किया, नाइट पर अटैक बना, और इस नाइट के जाने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। ब्लंडर ब्लंडर ऑफ दिस गेम। वाओ फ्रेंड्स, काफी सिंपल गेम थी, जस्ट एक मूव की गेम जिसपे प्रज्ञानंद ने इस गेम को अपने ओपोनेंट को, बल्कि यहाँ पर कहा जाए कि अधम ने ऐसे गलती की जिसकी वजह से प्रज्ञानंद को मौका मिला इस गेम को जीतने का। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी सिंपल गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।